एवरीवन, आई एम निकी एंड आई एम राहिल एंड आज हम निकले हैं हमारे तरफ से कुछ ऐसी जगहों को दिखाने आपको जो हमें लगता है सूरत को डिफाइन करती है एंड आई एम एब्सोल्युटली एक्साइटेड अबाउट इट. आर यू? लेट्स गो. Better than starting your day with the sunrise. So we are finally here at Dumas Beach. Kya khoobsurat nazara hai. Ek taraf sunrise ho raha hai, dusri taraf Arabian Sea ke nazare mil rahe hain. I mean perfect. This is for sure a must visit place when you come to Surat. And to accompany us, we have the Citroen C5 Aircross. You know, Surat ki khas baat kya hai? क्या दैट हमारे सूरत में ना दो सूरत बसते हैं. ओके. पहला सूरत जो हिस्ट्री है, जो ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस है, जो लिटरेचर है, जो आर्ट है, फूड है, और देन देयर इज दूसरा सूरत, द फिटनेस साइड ऑफ सूरत. यप. व्हिच यू कैन सी फ्रॉम द बैच बिटवीन डुमस टू वीआईपी रोड, जहां आपको जॉगर्स दिखेंगे, साइक्लिस्ट दिखेंगे. सो इफ यू आर विजिटिंग सूरत एंड यू वांट टू एंजॉय द फिटनेस एंड द पीपल ऑफ सूरत, देन यू मस्ट गो ऑन दिस स्ट्रेच एंड हैव अ नाइस जॉग फॉर योरसेल्फ. टॉकिंग अबाउट हेल्थ, अ क्विक हेल्थ टिप फॉर यू गाइस एज वेल. सुबह सुबह पानी पीना बहुत जरूरी है. सो निकी, अब मैं पानी पीने वाला हूँ, सो प्लीज ड्राइव अ लिटिल केयरफुली. मैं नहीं चाहता कि मेरे कपड़ों पे पानी गिर जाए. ठीक है राहिल, यू कैन ट्रस्ट सिट्रॉन विद दैट, बिकॉज़ सिट्रॉन गिव्स हाइड्रोलिक कुशनिंग सस्पेंशन जो हमें फ्लाइंग कारपेट इफेक्ट देता है. लेट्स ट्राई. नॉट बैड, स्मूथ. अच्छा निकी, टाइम क्या हुआ है? Rahil, I know you're not asking the time here. Something else is going on. You got me. Well, actually, abhi to tu apni smart watch mein dekh ke time bata degi. Lekin if you were born in 1871, to baat kuch aur hoti. What do you mean? What I mean is ke hum apni agli location pe pahunch gaye hain. Gaadi roko. तुझे पता है इस क्लॉक टावर को 1871 में बनाया गया था बाय खान बहादुर फ्रेजर अपने पापा की याद में. ओके, आई थिंक ये इसलिए बनाया गया था सो दैट इस एरिया के सारे लोग एक कॉमन टाइम को देखकर चल सके. ऑफ कोर्स, क्योंकि उस टाइम पर हमारे एंड्रॉइड आईओएस के सिंक्रोनाइज टाइम तो थे नहीं, तो सबको एक साथ एक ही टाइम पर चलना अगर हो तो ये क्लॉक टावर का टाइम देखकर सब एक साथ काम करते थे. Thoughtful से याद आया. Now, what do you think? हमारा next location कौन सा होगा? I don't know. गाड़ी में बैठ, बताता हूँ. चलो. Okay, Nikki, one more quick question. Where were you in 1358 AD? तू कहाँ था राहिल? Oh, well, मुझे नहीं पता हम दोनों कहाँ थे, but अब हम वहाँ जाने वाले हैं जो 1358 में जहाँ था अब भी वही है. सूरत फोर्ट. I am impressed. I like it. So let's go, सूरत फोर्ट. तुझे पता है सूरत फोर्ट की हिस्ट्री जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है. या यू नो, इन द ईयर 1358 AD तापी रिवर पर जो है ये वो तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे इसको बनाया गया था, और तब ये इतना बड़ा नहीं था. एंड 2015 में इसको रीडेवलपमेंट के लिए रखा गया था सो दैट इसे संभाल के रखा. डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने जो है वो SMC को इसकी परमिशन दी थी और ये सौंपा गया था फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ दिस वंडरफुल प्रॉपर्टी. सो
और ये लाइट क्यों ब्लिंक हो रही है? That is blind spot monitoring system, Rahil. जब भी कोई हमें AB पिलर की वजह से नहीं दिखता है और वो हमारे ब्लाइंड स्पॉट में आता है तो ये लाइट इमीडिएटली हमें ब्लिंक कर बता देती है कि वहाँ कोई है. Thank God. मतलब कि ट्रैफिक के टाइम पे एटलीस्ट वन लेस थिंग टू वरी अबाउट. Yes. But यार इतना ट्रैफिक क्यों है? Because you've just entered the textile hub of our country. Can we check it out? Definitely. Let's go. Surat approximately produces 25 million meters fabric daily with over 7,20,000 weaving machines and 50,000 plus shops. That's a crazy number, right? In fact, let me also tell all of these people ki काफ़ी सारे बॉलीवुड के जो बड़े बड़े फैशन हाउसेज हैं, जो डिज़ाइनर्स हैं, वो भी अपना फैब्रिक जो है ना वो सूरत आके सिलेक्ट करते हैं. So guys, if you ever visit Surat, then do not forget to visit the entire Surat textile market. हाँ बोल. क्या? यार रुक जा एक सेकेंड, मैं तुझे फोन करती हूँ. हाँ, अब बोल. यार we are in a busy place right now, Rahil, and I would leave the parking to the C5 itself. So let me quickly slot it into park assist mode so that it perfectly parks itself in the suitable parking spot. And here we go. ये निकी भी ना शॉपिंग के लिए इतना एक्साइटेड कौन रहता है कि गाड़ी का शीशा भी बंद करना भूल जाए. आई मीन कोई भी इजीली गाड़ी में अंदर जा. ये क्या था? थैंक गॉड फॉर माय एंटी थेफ्ट फीचर. मतलब गाड़ी में से कुछ भी जाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है. राहिल, सिट्रॉन मेक्स द लाइफ इजी. Must say that. चले अब शॉपिंग करने. लेकिन now how do you plan to open this up? I'll tell you how. Wow, fancy. And that's a good boot space. In fact, इतनी जगह बची है कि थोड़ा शॉपिंग और कर लो. राहिल, आई एम वेरी हंग्री नाउ, प्लीज लेट्स गो. ओके, नेक्स्ट डेस्टिनेशन सूरत फूड. ये recommendation Rahil, my tummy is full and maza aa gaya. I told you. Well, par ek aur mazedar cheez kya hai hamare sabse largest dining table ke bare mein? Kya yahan par scooter wale se leke Citroen wale tak har koi ek hi platform pe baith ke amazing menu enjoy karta hai. So if you happen to visit Surat, don't forget to check out our very own street food. What a day. Honestly, Rahil, I drive so many cars on a regular basis. Of course. But the comfort, the braking, the ride quality, basically everything about the Citroen is something else. Of course. No doubt why it has got Tech of the Year award for suspension, then premium compact, car of the year, and a lot more. I think the biggest award for a brand is the experience that it gives to its customers, you know. Absolutely. And I think Citroen, the experience that it gave both of us today
इट मेड अस कनेक्ट टू द सिटी सूरत एज वेल यू नो एंड द बेस्ट पार्ट इज इट डिड नॉट बर्न आवर पॉकेट्स दैट बैड एब्सोल्युटली आई होप यू कुड कनेक्ट टू अस एज वेल यप So if you connected with the car Citroen, then you must come and visit Citroen Nanavati in Surat and experience it for yourself. For now, it is the end of a long day for both of us, but an adventurous one for sure. And this is Rahil and this is Nikki with me signing off. I hope you guys connect with us soon again. And we'll see you all next time. Bye-bye. Bye. आज तूने मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए हाँ तो नाउ इट्स माय टर्न ओके सो एक बार हाथी चींटी हाइड एंड सीक खेल रहे थे तो चींटी जाकर मंदिर में छुप गई एंड हाथी को इमीडिएटली पता चल गया कैसे क्योंकि हाथी मेरी तरह स्मार्ट था ऑफ कोर्स नो वे नो वे चल आई विल गिव यू वन लास्ट चांस बिकॉज चीटी प्रसाद की ओर अट्रैक्ट होती है तो वहां पे उसे ढूंढ लिया नहीं प्रसाद चीटी नहीं ओके प्लीज आप ही बता दीजिए क्योंकि चीटी ने अपनी चप्पलें बाहर उतारी थी एंड हाथी ने देख लिया इट वॉज गुड आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज टू आवर व्यूअर्स फॉर निकी जोक बट यू नीड टू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन एंड टेल अस कि हम दोनों में से कौन बेटर क्वेश्चंस पूछता है